लेके आई हूँ अपना एक और वीडियो। तो मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि आप अपना किचन का टूर दिखाना, तो मैं दिखाती हूँ आपको मेरा किचन। तो ये है मेरा वॉश बेसन और सिंक, और सिंक के नीचे कुछ सामान रखा है फालतू। और ये है मेरा बेकिंग सोडा, जो किचन के अंदर मैं क्लीन करती हूँ ना, तो बेकिंग सोडा चिकनाई उतारने के लिए। इधर मैंने पानी का मटका रखा है, ये मंदिर के बर्तन धोने का पाउडर है, ये हैंड वॉश है, ये हमारा आरओ लगा हुआ है, और ये टॉवल रख दिया इधर, और ये खिड़की है, ये गर्म पानी की बोतल, आजकल तो गर्म पानी ज़रूर। और ये एक पोर्शन बना हुआ है, इसमें कटोरी, कोई टिफ़न ये रखा हुआ है, और इसमें भी कुछ गिलास वगैरह रखे हुए हैं, और इसमें थाली ये रखी हुई है, और फिर एक ये है, इधर मैंने एक ट्रॉली रखी है, जो फालतू बर्तन होते हैं मैं उसमें रख देती हूँ, और ये भी बड़े बर्तन हैं, आटा के लिए एक बॉक्स है, और ये मेरा कलर किया हुआ मटका, टोकरी, ये सब रखे हैं। और नीचे मैंने कोई हाइजीनिक कुछ भी नहीं लिया हुआ है, आशीर्वाद आटे की, जो आटे की थैलियाँ आती हैं पतंजलि के आशीर्वाद की, वही लगाई हुई है मेरी, और बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई हाइजीनिक सामान मैंने नहीं लिया है, देसी है बिल्कुल। और ये कटलरी का है पोर्शन है, और इसमें कढ़ाई, और ये एक थाली का ही बना दिया था सेम वैसा ही, पर मैं इसमें बड़े बर्तन रखती हूँ, थाली उसमें है। और ये मेरा गैस स्टोव है, ये मेरा गैस है, और ये जो आज मैंने गुलाब जामुन बनाए थे, तो घी है, ये घी मैंने इधर ही रखा हुआ है, ऊपर मेरी चिमनी लगी हुई है, ये मेरी चिमनी है, और जो इसके नीचे है ये वाला, ये मैंने कुछ मंदिर के कुछ पौने वगैरह रखे हुए हैं, और सब्जी लाने के लिए लफाफे कवर, और इसके अंदर जो मैंने ये बड़े बड़े बॉक्स रखे हुए हैं, इनमें कुछ भारी सामान डाला हुआ है, और ये हमारी फैक्ट्री में खाली होते हैं, तो जो खाली होते हैं मैं यूज कर लेती हूँ, और जो भी इसमें बड़े बड़े चार बॉक्स हैं, ये यही है, आलतू फालतू जो भी सामान होता है इनके अंदर डाल देती हूँ। और ये वाला पूजा के लिए जो हम हवन वगैरह करते हैं, वो सामग्री है। और अब हम इधर आते हैं, और ऊपर बने हैं मेरे दो ये बॉक्स, इसमें जो डेली के दाल वगैरह वो सभी हैं, और कोई मेरे एक टाइप के जो बॉक्स हैं वो नहीं है, जो मेरे घर में पहले थे, जो भी जैसे भी थे वो ही हैं, मैंने नए नए ये वाले गिलास के हैं, और ये भी डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स हैं मेरे, और इधर रखा हुआ है ये वाले ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं मेरे, कुछ रोस्ट किए हुए बादाम हैं, किशमिश और बादाम वो सब हैं। अब नीचे आ जाते हैं, ये वाला गुड फूड करके, ये मेरी बेटी ने मेरे को बोर्ड बना के दिया था, और ये हमारे मग हैं चाय दूध पीने के लिए, पांच पांच लोग हैं हम, हमारे पांचों के, और ये वाले बॉक्स हैं चीनी, चाय, गुड़, वो सब चीन सामान रखा है, ये वाला इलायची अदरक कूटने के लिए, और ये वाला मैंने दही जमा के रखा है। और अब मैं शूट कर रही हूँ, रात के 10 बजे हुए हैं,
और सब लोग सो रहे हैं तो, और मैं शूट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा मेरे को दिन में इतना ही टाइम मिलता है तो मैं अभी शूट कर देती हूँ। ये मैंने कुछ छलनी कुछ ये रखे हुए हैं, और ये वाली एक मैंने ट्रॉली ली, अभी ली थी, इसके ऊपर मैंने ये कप ये सब रख दिए, ये वाले कॉफी, और ये जो भी डेली सामान चाहिए वो सब, इलायची सौंफ वगैरह, और ये वाला मेरा आंवला पाउडर और गिलोय की सब सारी की जो भी टेबलेट डेली लेते हैं वो, और ये मेरी ग्रीन टी, और छोटा छोटा सामान बहुत सारा हो जाता है, और इसके बिना ये ऑर्गेनाइज ना हो तो सामान इधर उधर, ये छोटे छोटे अच्छे नहीं लगते हैं। और एक ये मेरा ठेला है, ठेले के ऊपर एक ये छोटा सा पीस रखा है मैंने, ट्रॉली टाइप ही ऐसा ही, और ये छोटे छोटे गिलास, और ये एक लोटा रखा है, और सुबह मैं इस लोटे में अपनी बेल के फूल पत्ते ला के डाल देती हूँ, अच्छे लगते हैं, और शाम को निकाल देती हूँ। अब इसके नीचे आते हैं, और नीचे मेरा ये आटा की टंकी, डेली का जो भी सामान चाहिए, ये घी का डब्बा है, घर से घी आया हुआ है, और नमक मिर्च का बॉक्स, ये वाले मेरे फालतू ऑयल जो भी ला के रखे हैं वो, और लहसुन, ये ब्लैक अंगूर आए थे इसमें और मैंने इसमें लहसुन डाल दिया, ये फॉइल पेपर बटर पेपर ये सब रखे हुए हैं, और ये वाला है मिक्सी, और ऑयल और अचार ये सब रहता है मेरा। अब इधर का हो गया, ये पीछे मेरा यूटिलिटी एरिया है, और पीछे का ये पीछे मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, अभी भी बर्तन उठा के मैंने पीछे रख दिए हैं, बाद में क्लीन करूँगी। अब इसमें आते हैं, ये वही ये बक्स मेरे पास बहुत सारे खाली होते हैं तो मैंने यूज में ले लिए, और ये कुछ टिश्यू रेख रखे हुए हैं, इनमें फालतू सामान रख दिया है मैंने, और इसमें भी कुछ गोलियां टेबलेट वगैरह कुछ डाल के रख दिया है, और ये सब है पतंजलि के, त्रिफला चूर्ण जो भी अश्वगंधा सब कुछ है, ये फालतू स्पून वगैरह रखी हुई है, और ये वाले कुछ जैम सॉस ये सब मैंने डाल दिए हैं, च्यवनप्राश, इधर जो भी सामान है वो रखा हुआ है, ये वाले स्टील के बॉक्स हैं, टिफ़न जो भी स्टील के हैं वो रख दिए हैं, ये मेरा डाइनिंग सेट है, हमारे पास डाइनिंग टेबल तो है नहीं, मैंने अंदर ही रखा है, कोई आता है तो निकाल देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कप्स वगैरह जो भी सामान है एक्स्ट्रा मैंने इसमें रख दिया है, ये इधर भी कुछ सिरोमिक का है, कुछ खाली बॉक्स हैं, बेकिंग सोडा जो भी सामान है वो मैंने रख दिया है, और इधर ये मैंने अपनी ट्रे रखी है, और इसमें सामान जो भी बॉक्स में डाल के हमारा जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो सब रख दिया है, और छोटा छोटा सामान बहुत हो जाता है, इसमें भी मैंने अपना छोटा छोटा जो भी सामान बच जाता है थोड़ा थोड़ा वो सब रखा हुआ है, और इसमें कप फालतू जो भी कप हैं वो मैंने इसी बॉक्स में डाल के रख दिए हैं, नीचे जो भी बड़े बर्तन उधर नहीं आ रहे हैं वो मैंने इधर रख दिए हैं, और ये तो हो गई। अब हमारा इधर फ्रिज है, इधर मैंने कोई जो भी मेरे पास ज़्यादा नहीं है क्रॉकरी का, वो थोड़ा बहुत है वो मैंने इधर रख दिया है, ये मैंने एक ऐसे ही शो के लिए टोकरी रख दी है फ्रिज पर, और ये वाला फ्रिज है, और ये मेरा डाइनिंग एरिया है, दो टेबल और दो चेयर और टेबल, और रात का टाइम होता है तो मैं अपना जो भी सामान, ये सामान अभी ऑनलाइन आया था शाम को तो मैंने इसमें डाल के रख दिया है, 2 दिन बाद ही निकालूंगी,
ये वाले आज गुलाब जामुन बनाए थे। मैं रात को सामान इधर रख देती हूँ, इधर कोई भी चींटियाँ वगैरह आ जाए किचन में, और रोटियां, दलिया, सब्जी जो भी निकाली हुई, पानी पीने की बोतल, अचार का डिब्बा, ये सब मेरा रात को इधर ही रहता है सामान। और ये वाले जो शो पीस रखने के लिए गुद्दा, एक इधर लगा रखा है हमने और एक इधर रखा है, इसमें प्लांट लगा दिए हैं, और ये भी एक मनी प्लांट है, और ये हमारे गणपति जी की मूर्ति है। और अब मेरा ये पूरा किचन का ओवरव्यू है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने सजाया है, कोई हाइजीनिक नहीं है, पर मेरे को कुछ फ्रेंड ने बोला था आप किचन का टूर दो, तो मैंने दे दिया। और ये नहीं कि मैंने अभी सामान सेट किया है, ऑल टाइम मेरा ऐसा ही रहता है किचन में, काउंटर टॉप खाली रखती हूँ। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा मेरा ये वीडियो, पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए मैं और कैसा वीडियो बनाऊँ। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।